हे वेलकम टू आर्बिट्रेरी अंकित। विलियम शेक्सपियर एमसीक्यू डिस्कस कर रहे थे हम लोग। 190 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका था, सो स्टार्ट करते हैं। लेट्स फर्दर। फॉल्स स्टाफ इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर हेनरी फोर पार्ट वन पार्ट टू और एक और प्ले है विलियम शेक्सपियर का मेरी वाइफ्स ऑफ विडोसर, उसमें भी है। ठीक है, ये बेसिकली कॉमिक फिगर हैं जो कि तीन विलियम शेक्सपियर के प्ले में पाए गए हैं, हेनरी फोर्थ पार्ट वन पार्ट टू एंड मेरी वाइफ ऑफ विंडोसर। शेक्सपियर रोट नियरली 40 प्लेज ड्यूरिंग हिज लाइफ। दिस प्ले कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर टाइप: ट्रेजेडी, कॉमेडी, हिस्ट्री एंड रोमांस। कहा जाता है ना कि विलियम शेक्सपियर ने 37 प्लेज लिखे हैं, ठीक है, जो ऑथेंटिकली पाए जाते हैं, और माना जाता है कि तीन प्ले उन्होंने बाद में टेम्परेस्ट लिखने के बाद भी ना कोलेब्रेशन में लिख रखा है। ठीक है, जॉन फ्लेचर और भी कई राइटर्स हैं उनके साथ बाद में लिख रखा है, फिर भी बात करते हैं। जैसे किंग लियर, अच्छा तो ये कह रहा है ना कि कौन से जो प्ले है ना, किंग लियर क्या है, ट्रेजेडी है, मच अडो अबाउट नथिंग एक कॉमेडी है, जूलियस सीजर एक हिस्ट्री है, और टेम्पेस्ट एक रोमांस। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, थर्ड का सी एंड फोर्थ का बी। क्लियर है, नीचे लिख रखा है कि हाँ हिस्ट्री प्ले, आई मीन वही मैं सोचूँ रोमन प्ले क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक है, जूलियस सीजर एक रोमन प्ले, जूलियस सीजर, एंटोनियो क्लियोपेट्रा, टाइटस एंड एंड्रोनिकस और एक कैरियोलिनस, ये चार प्ले हैं जो विलियम शेक्सपियर के रोमन प्ले है, आई मीन रोम में सेट है और रोम की हिस्ट्री बताती है। ठीक है, तो इसको रोमन प्ले कहा जाता है, मतलब हल्के फुल्के घटनाएं वास्तव में हुई होंगी, उसको बेस बनाकर विलियम शेक्सपियर ने पूरा प्ले लिख दिया है, रोमन प्ले कहलाता है। इन विलियम शेक्सपियर ड्रामा हैमलेट हु सेड दिस अ ड्रीम इटसेल्फ इज बट अ शैडो। हैमलेट स्वयं कहता है, हैमलेट ही कहता है ना ये लाइन, Our dream itself is but a shadow. Who is the first character to die in William Shakespeare play Hamlet? Hamlet एक William Shakespeare की longest tragedy है। इसमें सबसे पहले जो हत्या होती है वो Polonius की होती है, Hamlet के द्वारा। Hamlet मार देता है Polonius को, उसको actually वो जाता है तो अपनी माँ से जब लड़ाई कर रहा होता है एक तरफ से, तो बहुत ज़्यादा aggressive हो जाता है Hamlet। तो Claudius डर के कहता है, ऐसे हेल्प मांगता है, हेल्प। तो हैमलेट गुस्से में तलवार निकाल कर, उसको लगता है उसका चाचा सुन रहा है, तलवार निकाल कर मार देता है, निकलता है कौन है, पोलोनियस की जगह पर क्लोडियस निकल जाता है। ठीक है, प्रिंस हैमलेट इज द टाइटल कैरेक्टर एंड प्रोटैगनिस्ट ऑफ विलियम शेक्सपियर प्ले हैमलेट। ही इज द प्रिंस ऑफ विच कंट्री? डेनमार्क का प्रिंस रहता है वो। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया। To be or not to be, that is a question. Quote, act third scene first is a famous quote from which play? William Shakespeare का Hamlet. Hamlet ही कहता है मारें है, मतलब क्या करूँ, अपने अंकल को सोचता है रहता है ना कि मारना है कि नहीं मारना है, तो वही है to be or not to be. For fairest creature we desire and increase, Shakespeare used the first four line of set off. His main idea for the poem, each of the line take up one particular idea. What does the line discuss? Importance of procreation of human. ठीक है, यह विलियम शेक्सपियर के 14 नंबर के सोनेट की बात हो रही है। पोएम में 14 लाइन हुआ करती थी ना, एक सेकेंड, विलियम शेक्सपियर के पोएम्स में, हाँ सॉरी, सोनेट्स में तो 14 लाइन ही होती है ना, तो उसमें तीन क्वार्टरन होते हैं और एक कपलेट होते हैं। होता ही है कि जो आखिरी का जो दो कपलेट होता है उसमें क्या कहते हैं, आइडिया को प्रिजर्व करके रखते रहते हैं। अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोक्रिएशन ऑफ ह्यूमन, विच ऑफ द लास्ट सोनेट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर? तो ये नाम, द लिटिल लव, गुड लाइन, वंस असलीप। एक्चुअली क्या है, विलियम शेक्सपियर के जो 154 सोनेट्स हैं उसकी अगर पहली लाइन याद हो जाए तो बहुत बेहतरीन है। मेरी प्रोसेसिंग भी अभी चल रही है, आप भी याद कर लो। 154 सोनेट्स हैं विलियम शेक्सपियर के और सबकी पहली लाइन है, उसका पहला क्या है, टाइटल है। ठीक है,
द प्ले हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर इज कैटेगराइज इन टू विच कैटेगरी ऑफ द बेसिस ऑफ थीम ऑफ द प्ले? ट्रेजिडी, ट्रेजिडी है ये, ठीक है। हैमलेट की रिगार्ड हम माना जाता है रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजिडी ऑफ विलियम शेक्सपियर फॉलोड बाई ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। हु इज होरेसियो इन द प्ले हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर? तो सबसे क्लोज फ्रेंड रहता है, शुरू में भी हैमलेट अपने फ्रेंड से ही बात करता है और मरते वक्त इसी के लिप में सिर रख कर मर जाता है। क्लियर है? मैच द फॉलोइंग सोनेट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर विद देयर रिस्पेक्टिव, ठीक है। सोनेट नंबर 11 कौन सा है? तो एज फास्ट एज दाउ सैट वेन सो फास्ट दाउ ग्रोथ, ये फर्स्ट है, ये 11th नंबर है। 12th नंबर उनका सोनेट्स है, वेन डू आई काउंट द क्लॉक दैट टेल्स द टाइम। एंड तीसरा सॉरी 18 नंबर सोनेट्स उनका, सेल आई कंपेयर टू द समर्स डे। एंड इनका 130 है, माई मिस्ट्रेस टाइम। यहाँ पर आप मैच करा सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। हुज फ्रेश रिपेयर नाउ दाउ नॉट रिन्यूवेस्ट दाउ डोस्ट द वर्ल्ड अनलेस सम मदर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ बेंगल इन विलियम शेक्सपियर पोएम सॉरी सोनेट्स लुक इन द ग्रास चीट? इसका मतलब क्या होगा? बेंगल का मतलब चीट होगा, मिस चार्म और इंचेंट समवन ऑफन इन डिफेक्टिव वे, ठीक है। व्हाट डू द विचेस प्रोफेसी टू बैंक ऑन द हेथ इन शेक्सपियर? क्या कहते हैं विचेस? मैकबेथ को तो कहते हैं कि तुम राजा बन जाओ के दंग यहाँ के, लेकिन बैंक को कहते हैं ना कि तुम्हारा बेटा क्या बनेगा? राजा बनेगा। क्लियर है? His children will be king, lesser than Macbeth and yet greater. ये लाइन विचेस कहती हैं, ठीक है। द गिल्टी कॉन्शियंस ऑफ मैकबेथ इज रिवील्ड इन द बैंक्वेट सीन। द बैंक्वेट सीन क्या है? द गिल्टी कॉन्शियंस ऑफ मैकबेथ इज रिवील्ड इन द बैंक्वेट एक्ट थर्ड सीन फोर्थ में, विच ही सी द गोस्ट ऑफ बैंको सिटिंग एट हिज सीट बैंक्वेट टेबल इन हिज कैसल। होता ही है ना कि बैंको को तो मरवा देता है मैकबेथ, मैकबेथ मरवा देता है बैंको को, फिर जब वो पार्टी कर रहे होते हैं ना, जब वो उत्सव मनाते हैं, सबको डिनर में बुलाया होता है, वहाँ पर उसको बैंको का भूत दिख जाता है। बैंको का जब भूत दिखते हैं तो बाद में उसे रिमोर्स भी होता है कि क्या सस्ता के लालच में चीज़ें गलत जा रही है, उसको पता है लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाता, इसलिए तो ओवर एम्बिशियस के कारण उसकी ट्रेजिक डेथ भी हो जाती है। Why was Macduff able to kill Macbeth despite the witch's prophecy in Macbeth? Actually कहते हैं ना कि witches ने कहा था कि Macbeth को वही मार पाएगा ना, वही व्यक्ति जो अपनी माँ के पेट से जन्म नहीं लिया रहेगा। तो Macduff को क्या होता है ना, सिजारियन सेक्शन की तरफ से बर्थ होता है, यानी उसकी माँ का पेट फाड़ कर उसको निकाला जाता है, ना कि नॉर्मल प्रोसेस से उसकी डिलीवरी हुई होती है, ठीक है। तो ये फैक्ट मैकडब के साथ प्लस होता है, इस कारण उसके पास ये होता है कि वो मैकबेथ को मार देता है। हाउ डिड बिरनम वुड कम टू डंशन इन शेक्सपियर मैकबेथ? होता ही है कि ये भी उन्होंने कहा था ना विचेज ने कि देखो तुम्हें मैकडब से संभल के रहना है, तुम्हें वो कोई नहीं मार पाएगा जो माँ के पेट से जन्म लिया रहता है। और तीसरा ये था ना कि जब तक ये जंगल बर्नम के जंगल खुद चल कर नहीं आ जाते, तब तक क्या होगा, तुम्हारी मौत नहीं होगी। होता ही है ना कि जो मैलकम की आर्मी होती है, मैलकम कौन है? डंकन का बड़ा बेटा, ठीक है। मैलकम और मैकडफ सब मिलकर मारते हैं मैकबेथ को, मतलब घेरते हैं उसको, तो उसकी आर्मी क्या करती है ना, पेड़ों को और सखाओं को काट कर उनको लेकर चलती है। तो सीन कुछ ऐसा दिखाई देता है कि जैसे वहाँ का जंगल क्या हो रहा है, चलकर खुद आ रहा है कहाँ पर, मैकबेथ के किले तक आ रहा है, ठीक है। तो ये भी रूल हो जाता है, ये भी प्लस हो जाता है, मतलब जो जो कहा जाता है मैकडफ से सावधान रहने को बोला जाता है, तो वो भी मैकडफ रहता है जो अपने माँ के पेट से जन्म, जो अपने माँ के शरीर से जन्म, मतलब नॉर्मल प्रोसेस से जन्म नहीं लेता है और जंगल भी चलकर आ रहा होता है। ऑल टुगेदर मतलब ये है कि होगा यूँ कि मैकबेथ की मौत अब आ ही गई है। मैकबेथ अटर हिज सोलिलोक्वी, टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो व्हेन ही रिसीव द न्यूज द लेडी मैकबेथ डेथ,
ठीक है, लेडी मैकबेथ कौन है, उसकी पत्नी है, इसको फोर्थ विचेस भी कहा जाता है बहुत सारे राइटर्स के द्वारा, बहुत सारे क्रिटिक्स के द्वारा। होता यूँ है कि लेडी मैकबेथ एक तरफ से पागल ही हो जाती है, ठीक है, डंकन के मर्डर के बाद वो हल्के फुल्के सिम्टम्स उसमें शुरू में ही आ जाते हैं, फिर धीरे धीरे क्या हो जाती है, वो पागल हो जाती है और बता नहीं रखा प्ले में कि सुसाइड कर रखा है या फिर अपने आप मर जाती है, पर उसकी मौत हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, मैकबेथ तो हिल जाता है। वट वॉज डज रोजलिन अज्यूम फॉर हिज डिस्गाइज, ठीक है, अच्छा ये जो एज यू लाइक इट प्ले है, जिसमें रोजलिन अपने बहन सीलिया के साथ जंगल में चली जाती है, ठीक है, जंगल में चली जाती है, तो अपना नाम क्या रखती है, गैनीमेड के नाम से डिस्गाइज हो जाती है, नाम अपना छिपा लेते हैं, डिस्गाइज हो जाती है गैनीमेड के नाम से फॉरेस्ट ऑफ एडन में, जब ये लोग जा रहे होते हैं तो ये और सीलिया फिर अपना नाम बदल लेते हैं और ये अपना नाम रख लेते हैं गैनीमेड। ये एज यू लाइक इट है जो विलियम शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुआ था, फर्स्ट फोलियो किसने पब्लिश किया था, कॉर्डेन एंड वट डज द डिस्गाइज रोजलिन प्रोमिस टू डू फॉर ओरलैंडो इन एज यू लाइक इट, हेल्प हिम ओवरकम हिज लव सिकनेस। होता ही है ना कि रोजलिन से ही तो प्यार कर रहता है ओरलैंडो, उससे ही तो प्यार करता है ना, तो फिर उसे जब मिलता है तो उसको बताता है, मतलब रोजेलिन तो छिपी हुई है ना गैनीमेड के रूप में, फिर भी उसको पता है कि मुझसे प्यार करता है, ये बहुत परेशान दिखाई देता है रोजेलिन के लिए, तो कहती है ना कि मैं तुम्हें बताऊंगी उपाय कि कैसे बाहर निकलते हैं, कुल मिला के मज़े लेती है इसके। विथ हुम डज ओलिवर फॉल इन लव इन एज यू लाइक इट, एलिना, एलिना कौन रहती है, ड्यूक ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी रहती है जिसका नाम सीलिया रहता है, इसने अपने आप को डिस्गाइज कर रखा रहता है एलिना के नाम पे, और फॉरेस्ट ऑफ एडन में जब इसको ये देखता है तो इसको इससे प्यार हो जाता है। बाकी का डिस्कशन कल कर